एआईसीसी राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के करीबी ड्रग्स के रैकेट में चला रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव को घेरते हुए पूछा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी तक उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया, पूरे देश में नशे का कारोबार फैल रहा है। आज 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, उस उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना था या नहीं होना था? नहीं हुआ, और सफाई दी गई बीजेपी के अध्यक्ष द्वारा कि फोटो से कुछ होता है क्या? फोटो तो कोई भी किसी के, एक फोटो से नहीं होता है, 2 फोटो से नहीं होता है, 4 वीडियो से नहीं होता है, 500 फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पूरी उनसे भरी हुई हो, उसी व्यक्ति की जो ड्रग माफिया में पकड़ा गया और उप मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के ही सारे नेताओं के साथ, फिर भी आप प्रमाण मांगते हो? यानी आप देश के भविष्य को नशे की गिरफ्त में लाना चाहते हो और फिर भी उल्टा चोर कोतवाल, ये स्थिति बनने लगी। तो फिर से मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि आप मध्य प्रदेश के गली गली में ड्रग्स है, गली गली में नशा है। संदर्भ यह है कि उसने रीवा के आईजी रेंज को एक लिखित शिकायत की थी कि ड्रग्स का कारोबार मेरे जिले में बहुत बेतहाशा फैल रहा है, तो वो ये कह रहा है कि उस पत्र के बाद ये मैसेज उसके पास है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विधायक की हत्या करो और इनाम पाओ, ये खुद विधायक कह रहे हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड, एल्प्राजोल पाउडर, स्मैक, चरस, गांजा, जो आप बता रहे थे, उस चैनल की रिपोर्ट 72 घंटे का स्टिंग ऑपरेशन भोपाल में किया है, 72 आवर्स का, और चप्पे चप्पे पर ड्रग्स आसानी से उपलब्ध है। इसी की बात की चिंता जीतू पर।